हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 11.3। यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन जो वन दिया हुआ है वो है जी डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई इक्वल सी टाइम ई रेस टू पावर सम कॉन्स्टेंट के टाइम्स टी और वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ। अच्छा, एक तो देखिए कि इस एक्सरसाइज में हमें कोई नया फार्मूला नहीं चाहिए, जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हमने बस यूटिलाइज करना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये वाले। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड का मतलब है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब बनता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एक इनिशियल कंडीशन दी जाए। ये इनिशियल कंडीशन इसलिए है क्योंकि वैसे तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ जाए तो वो इनिशियली होती है या बाउंड्री दोनों सेम हो जाती है, वो एक ही पॉइंट दिया होता है। इनिशियल वैल्यू वैसे होती है जो एक पॉइंट पे कंडीशन दी जाएँ। यहाँ पे अगर मतलब किसी आगे वाले क्वेश्चन में ये सेकंड ऑर्डर भी आएंगी, थर्ड ऑर्डर भी आएंगी, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतनी कंडीशंस होती हैं। अगर सारी कंडीशन एक सिंगल पॉइंट पे दी जाए उसे इनिशियल कहते हैं, अगर वो डिफरेंट पॉइंट पे हो तो उन्हें फिर बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। इनिशियल कंडीशन ज़रूरी नहीं कि जीरो पे किसी भी पॉइंट पर आ सकती है, लेकिन नॉर्मली इसको जीरो लेते हैं। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ज़रूरी है कि ये ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आगे हम अभी पढ़ लिखेंगे फार्मूला जो हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं, अब देखेंगे वहाँ पे ये जीरो होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड सिर्फ उन डिफरेंशियल इक्वेशन पे एप्लीकेबल है जिनके साथ ऐसी इनिशियल कंडीशन हो जो ज़ीरो पर दी गई है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये लीनियर को सॉल्व करता है, कुछ स्पेसिफिक नॉन लीनियर को भी सॉल्व कर लेता है आफ्टर यूजिंग सम ट्रिक, लेकिन जनरली ये नॉन लीनियर को सॉल्व नहीं कर पाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता है अगर वो लीनियर है और साथ इनिशियल कंडीशन जीरो पे दी गई है। सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो भी क्वेश्चन एंड पे आएंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमें जो फार्मूले रिक्वायर है मैं पहले वो लिख दूँ, साइड पर जाकर हमें जरूरत पड़ती रहे तो हम उसको यूज़ कर लें। पहला काम है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या था, हमने ये पहले निकाला हुआ है जस्ट रिकैप करने के लिए ताकि आपको जो है, तो ये बराबर है जी एस टाइम और इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको आप कह लें कि कैपिटल एफ ऑफ एस कह लें और माइनस इस फंक्शन की वैल्यू एट द ज़ीरो। ये ज़ीरो चूँकि फार्मूले में आता है लिहाजा में इधर कंडीशन में ज़ीरो चाहिए होता है। ये जी फर्स्ट डेरिवेटिव की है, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव आ जाए तो एफ डबल प्राइम अगर आ जाए तो फिर जो उसका होता है फार्मूला वो है जी एस फिर स्क्वेयर आता है, साथ एफ ऑफ एस आता है माइनस एस स्क्वेयर की पावर एक कम कर दें एस, साथ एफ ऑफ ज़ीरो आ जाता है और फिर एस की पावर एक और कम कर दें ख़त्म हो जाएगा और एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाता है। इसी तरतीब से ये पे क्यूब के लिए आप आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हमें यहाँ पे यूज़ पड़ेगी। तो लीजिए आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इसको नंबर वन कह दें, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन, यहाँ भी लाप्लास अप्लाई कर दें, ये डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई और यहाँ भी लाप्लास अप्लाई कर दें सी टाइम ई रेज टू पावर के टी आ जाएगा। अब यहाँ पे लाप्लास अलग कर लें, डी वाई बाई डी टी की अलग आ जाएगी और डी वाई डी टी क्या है, वो वाई प्राइम है, ये यहाँ से लिखा ना एफ प्राइम लिखा हुआ है तो ये वाई प्राइम है। आप इसको अलग करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी टी अलग हो जाएगा और यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई रह जाएगा, यहाँ पे देखिए सी बाहर आ जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर के टी आ जाएगा। यहाँ अप्लाई कीजिए अला फार्मूला जिसने फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, ये क्या बन जाएगा, क्या था फार्मूला, एस टाइम एफ ऑफ एस। तो ये एस टाइम एफ ऑफ एस इसलिए था कि वहाँ पर फंक्शन एफ दिया हुआ था और एफ की मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ ऑफ एस कहा था, यहाँ जो कि फंक्शन वाई दिया हुआ है तो उसकी जो होगी ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम उसको कैपिटल वाई ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। माइनस क्या था, एफ ऑफ ज़ीरो, जो फंक्शन है उसकी ज़ीरो पे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वाई है तो ये बनेगा वाई ऑफ ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, के वैसे आ जाएगा और वाई की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, उसको हम कैपिटल वाई ऑफ एस कहते हैं, यही नोटेशन यूज़ हम करते हैं पूरे चैप्टर के अंदर। सी वैसे आ जाएगा और ये जो है फार्मूला बनता है इसका, ई की पावर के टी की लाप्लास होती है वन ओवर एस माइनस ये जो उसका कोफिशियंट है के, ये इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वाई ज़ीरो ऑफ ज़ीरो दिया हुआ, चूँकि ये वैल्यू ज़ीरो दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एस
ये y ऑफ s आ गया माइनस ये वैल्यू, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में इसकी वैल्यू है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बन जाएगी, माइनस k टाइम y ऑफ s आ गया इज इक्वल टू c टाइम 1 ओवर s माइनस k आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए इस फर्स्ट टर्म में और इस टर्म में y ऑफ s कैप कॉमन है, जो बाकी बचेगा वो s माइनस k आ जाएगा, s माइनस k कैपिटल y ऑफ s यहाँ पे आ गया और ये c ओवर s माइनस k बन गया। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये कैपिटल y ऑफ s बनेगा, ये c ओवर में s माइनस k इधर से भी है यहाँ पर भी है, तो देखें s माइनस k का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, हमारा काम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है उसको जब सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर अननोन फंक्शन है, जो कि यहाँ पे y है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हमारा टास्क होगा यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे आया है ये कि ये कैपिटल y है, इट्स नॉट आवर y, y ऑफ t फाइंड करना है। तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब इनवर्स अप्लाई करेंगे, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s बन जाएगा और यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c ओवर s माइनस k इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बाय डेफिनेशन बन जाएगा, अब ये y ऑफ t बन जाएगा। जिस तरह लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल f ऑफ s की स्मॉल f ऑफ t बनता है, सेम नोटेशन के तहत जो y ऑफ s की लाप्लास बनेगी इनवर्स लाप्लास वो y ऑफ t बन जाएगा और यहाँ c बाहर आ जाएगा। अब ये देखना कि ये जो 1 ओवर s माइनस k है स्क्वायर है, ये किसकी जो वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हमें जो फार्मूले पड़े हुए हैं उसमें देखिए, हम जानते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो टी है ये होती है 1 ओवर s स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं और हमने ये भी था फार्मूला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर e की पावर में ए टी साथ सम फंक्शन f ऑफ t मल्टीपाई हो जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो f ऑफ s माइनस a आता है, जहाँ पे f ऑफ s क्या है, इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, इस जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये जस्ट क्या बनता है, उसके s को s माइनस a से रिप्लेस कर देता है। तो अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं साथ मल्टीप्लाई कर दूँ a t और t, तो इसकी लाप्लास क्या बनेगी, f ऑफ s माइनस a। तो f ऑफ s क्या है, जो इस t की लाप्लास है, जो कि देखिए ये 1 ओवर s स्क्वायर निकाली हुई, तो ये f ऑफ s है 1 ओवर s स्क्वायर। तो हमें f ऑफ s माइनस a जब निकालना होगा तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर s माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसकी लाप्लास इनवर्स। तो देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये वही दिया हुआ है, 1 ओवर c बाहर आ चुका है, c माइनस k का होल स्क्वायर, सॉरी s माइनस k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे k है, तो ये चूँकि इस फंक्शन की इनवर्स लाप्लास है तो ये किसकी बनेगी, ये e रेज टू पावर k t बन जाएगा, k t बन जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा t। तो देखिए ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आया है, c टाइम e रेज टू पावर k t इंटू t बन गया। तो देखिए इस तरह हम जो है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ही टेक्निक है, थ्रू आउट दिस बुक आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लेने। लाइक अब मैं एक और कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ जी डी वाई बाई डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज टू पावर t और माइनस 4 टाइम e रेज टू पावर माइनस t। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, और साथ इसके जो कंडीशन दी गई है वो वही है, y ऑफ जो 0 है इज इक्वल टू 0 है। तो पहला काम क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड अप्लाई करना, यहाँ भी लाप्लास अप्लाई कर दें, यहाँ भी लाप्लास अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी की लाप्लास लेंगे तो क्या बनती है, s टाइम कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 बन जाएगी, फिर 4y रहेगा, y की लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल y ऑफ s बन जाएगी, इसका 2s रहेगा, यहाँ जब अप्लाई करेंगे e की पावर t की लाप्लास क्या होती है, 1 ओवर s माइनस 1, फिर माइनस 4 और e की पावर माइनस t की क्या बनेगी, 1 ओवर s प्लस 1। ये मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो साइड अप्लाई कर दी, चूँकि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ये जो ये वाली टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, बाकी ये टर्म और ये टर्म रह जाएगी, वहाँ पर देखिए आप s प्लस 4 अंदर रह जाएगा
और कैपिटल वाई ऑफ एस जो है ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बच चुका हुआ, ये जो टर्म है ये दरअसल 2 ओवर एस माइनस 1 4 ओवर एस प्लस 1 बन चुकी। अब इसका ले लें एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेंगे वो क्या बनेगा, एस माइनस 1 आ जाएगा इंटू एस प्लस 1 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एस प्लस 1 और 4 इंटू एस माइनस 1 बन जाएगा। ऊपर 2 मल्टीप्लाई करें 2s प्लस 2 रह जाएगा, माइनस 4s और प्लस 4 रह जाएगा, और जो ओवर में है वो s माइनस 1 और s प्लस 1 बन जाएगा। अब देखें 2s माइनस 4 और 4 प्लस 2 तो ये 6 बन जाएगा, 6 माइनस 2s उसके ऊपर रह जाएगा और नीचे s माइनस 1 है और s प्लस 1 है, ये आ गया। और यहाँ देखिए s प्लस 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटल y ऑफ s की जो वैल्यू आएगी वो इससे डिवाइड कर देंगे, ये 6 माइनस 2s और होल ओवर में s माइनस 1 फैक्टर भी आएगा, s प्लस 1 भी आ जाएगा और ये अब s प्लस 4 भी आ जाएगा। ये मेरे पास अब आ गई यहाँ तक। अब अगला काम क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। चलिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्या करेंगे, इसको a ओवर s माइनस 1 b ओवर s प्लस 1 और c ओवर s प्लस 4 के इक्वल करते हैं। अच्छा अब देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 2s यहाँ पे रह जाएगा, अब ये a ओवर में s माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा तो s प्लस 1 और s प्लस 4 फैक्टर आ जाएगा। जो b होगा उसमें s माइनस 1 आएगा और s प्लस 4 आएगा, c के साथ s माइनस 1 आ जाएगा और s प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ प्लग कीजिए, s की वैल्यू 1 लीजिए, ये 6 माइनस 2 ये 4 बन जाएगा, और यहाँ देखिए a इंटू जब 1 करेंगे यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, बाकी दो फैक्टर इसके 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जब डिवाइड करेंगे जो a यहाँ पे निकलेगा ये 5 टू ज़ार 10, 4 ओवर 10 जो कि 2 ओवर 5 के बराबर है, तो जो a बनेगा वो 2 ओवर 5 आए। इसी तरह आप s1 के बाद आप प्लग कीजिए s की वैल्यू माइनस 1, 4 2 इंटू माइनस 1 6 प्लस 2 बन जाएगा, तो देखिए वो 8 आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर 0, b के साथ देखिए माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस के 2 और ये प्लस के 3 रह जाएगा, लास्ट फैक्टर 0 बन जाएगा, तो ये 8 इंटू ये देखिए माइनस के 6 b बन जाएंगे। और यहाँ से जो b निकलेगा आप देख सकते हैं 8 ओवर 6 बनेगा जो कि माइनस 4 बाय 3 बन जाएगा। फिर लास्ट आप क्या करेंगे, s की वैल्यू प्लग कर दें माइनस 4, यहाँ पे जब माइनस 4 प्लग करेंगे 2 इंटू माइनस 4 प्लस 4 और वो टाइम्स 2 करेंगे 8, 6 प्लस 8 14, तो ये 14 बन जाएगा, फर्स्ट फैक्टर भी 0, सेकंड भी 0 और तीसरे के साथ c इंटू जब माइनस 4 प्लग करेंगे तो माइनस 4 माइनस 1 ये माइनस के 5 आ जाएंगे और ये माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे, तो ये 14 इज इक्वल टू ये 15c आ जाएगा, तो जो c निकल यहाँ पर आएगा वो 14 ओवर 15 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास s माइनस 4 के लिए आएगा। एक फिर चेक कर लें, माइनस 4 जब प्लग करेंगे तो ये प्लस के 8 और 6 14 आ गया, और इस फैक्टर में जब माइनस 4 प्लग करेंगे तो ये माइनस के 5 और प्लस के 3 15, तो 14 और 5 है। ठीक होगी, ये जो वैल्यू है प्लग करें अपनी इस जो हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन थी, तो क्या बनेगा मेरे पास, जो y ऑफ s है अब ये बन गया a ओवर, तो a आ गया 2 ओवर 5, तो 2 ओवर 5 इंटू एस माइनस 1, b है जी माइनस 4 ओवर 3 इंटू एस प्लस 1 और c आ गया मेरे पास 14 ओवर 15 इंटू एस प्लस 4 आ गया। ये देखिए मेरे पास जो है वो रिजल्टिंग नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है कि जस्ट इसके अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देनी है। अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी बन जाएगा, ये टी ओ 2 ओवर 5 और ये बनेगी किसकी, वापस लेते हैं ये e की पावर t की बन जाएगी, ये 4 ओवर 3 है ये e की पावर माइनस t की बन जाएगी, ये 14 ओवर 15 तो e की पावर माइनस 4 t बन जाएगी, क्योंकि याद रखें कि जो f ऑफ s 1 ओवर s माइनस a दिया हुआ है, तो जो f ऑफ t होता है वो e रेज टू पावर a t, यानी इस फंक्शन की लाप्लास ये होती है। ये इसका देखिए आंसर आ गया, कितनी आसानी से हमने निकाल दी। क्वेश्चन 3 और 4 में क्या दिया हुआ है, उसने चेंज कर दिया, आपको फंक्शन थोड़ा सा दिया है डिफरेंट फॉर्म में, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी, उसमें क्या है जी, dy by dt plus y dy
बाय डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दे दिया है, और जो एफ ऑफ टी दिया है उसने वो डिफाइन कर दिया पीस वाइज फंक्शन में। एक इसका पीस ज़ीरो है जब ज़ीरो से लेकर टी वन तक है, और एक इसका पीस फाइव है जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव आएगी, वन आएगी, और वाई ऑफ ज़ीरो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ज़ीरो पे ज़ीरो दी गई है। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखें लाप्लास अप्लाई करें, अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे एस भी साथ आएगा, और प्लस वाई के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाई ऑफ एस, और इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम चूंकि नहीं जानते हम इसको एल ऑफ टी ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कैसे फाइंड करूँगा, इसको नंबर वन कह दीजिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बाई डेफिनेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। याद रखिए क्या थी इसकी डेफिनेशन, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी, ये आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है वो उसने ज़ीरो से लेकर वन तक, फिर वन से ऑनवर्ड है तो वो भी वन पे ब्रेक किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ज़ीरो से लेकर वन तक इसको तोड़ते हैं, ए की पावर माइनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी डी टी, और वन से लेकर इन्फिनिटी तक नेक्स्ट इसका पोर्शन बनाते हैं विथ सेम इंटीग्रैंड ए की पावर माइनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी डी टी बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये पहला पोर्शन है ज़ीरो से वन तक, वहाँ पर जो एफ ऑफ टी है वो दरअसल ज़ीरो के बराबर है, तो क्या बनेगा ज़ीरो से लेकर वन ए की पावर माइनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी, वो इस वैल्यू के लिए, इस रेंज के लिए, टी की इस रेंज के लिए ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। दूसरा जो इसका पोर्शन बनता है वन से लेकर इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी है, एफ ऑफ टी यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये फाइव दिया हुआ है इन टू डी टी बन, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब जो फर्स्ट वाला फैक्टर है टर्म है, क्योंकि वो ज़ीरो है तो वो पूरी पूरी ज़ीरो बन जाएगी, और इसको आप इंटीग्रेट कर लें, फाइव बाहर ले आएँ, ई की पावर माइनस एस टी को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ई की पावर माइनस एस टी ओवर में माइनस एस आ जाएगा, और यहाँ आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी वन से लेकर इन्फिनिटी, ठीक हो। माइनस बाहर ले आइए तो माइनस फाइव बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिखिए बल्कि ओवर में एस भी बाहर ले आइए, माइनस फाइव ओवर एस बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिखिए वन ओवर ई की पावर में एस टी, और ये वन से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे एस होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको याद होगा शुरू में मैंने डिफाइन किया था कि इंटीग्रल जो है वो एस पॉजिटिव के लिए कन्वर्ज करता है, तो एस चूँकि पॉजिटिव है तो उसको नीचे ले आएंगे, तो ओवरऑल टर्म आपकी चूँकि वो पहले नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव होगी। अप्लाई करें लिमिट यहाँ पर, ये माइनस फाइव ओवर एस बनेगी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन ओवर इन्फिनिटी तो वो देखिए ज़ीरो बन जाएगा, लोअर में अप्लाई करेंगे वो वन है तो वो क्या बनेगा वन ओवर ए की पावर टी को आपने प्लग करना याद रखिए वन पे, तो आपका क्या बन जाएगा एस बन जाएगा, तो एट द एंड क्या बन जाएगा इसका जो आपका आंसर बनेगा वो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो फाइव ए की पावर में माइनस एस ओवर में एस बन गए। ये हमारे पास क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है जो हमें दी गई थी, ये यहाँ पे वन पे प्लग कर लेंगे, तो वन इम्प्लाइज दैट ये कि एस वाई ऑफ एस बन गए, वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू इसने ज़ीरो दी हुई है, ठीक है, ये इसने वैल्यू जो दी हुई है वो आप देख सकते हैं कि वो ज़ीरो दी हुई थी, तो ये फैक्टर ज़ीरो बन गया, ये टर्म ज़ीरो बन गई, ये वाली टर्म, ये टर्म, इसमें से आपके पास एस प्लस वन रह जाएगा इनसाइड, और वाई ऑफ एस बन जाएगा, और इसकी वैल्यू निकाल चुके, तो जो वन बन जाएगी वो क्या आएगा एस प्लस वन वाई ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन फाइव ओवर एस ई रेज टू पावर माइनस एस आ गया। अब आपने इसका जो है फर्दर आप एस प्लस वन से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से जो वाई ऑफ एस बन जाएगा ये आएगा फाइव ओवर एस इन टू एस प्लस वन और ई रेज टू पावर माइनस एस बन जाएगी, ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना पड़ेगा, आपको ये फिर ये पार्शल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये जो चूँकि नीचे फैक्टर बन गए हैं दो, तो आपको ये पार्शल फ्रैक्शन से जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप इधर साइड पे कर लें फटाफट कर लें, ये आपके पास जो बनेगी देखें ये फाइव ओवर में एस इन टू एस प्लस वन, ये बनेगा ए ओवर में एस और बी ओवर में एस प्लस वन, ये बराबर आएगा फाइव इन टू ए एस प्लस वन और बी इन टू एस, एस को जब ज़ीरो प्लग करेंगे लेफ्ट पे फाइव ही आएगा, यहाँ देखिए सिर्फ ए बन जाएगा, और जब एस को आप नेगेटिव वन प्लग करेंगे लेफ्ट पे फिर फाइव आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा और वो नेगेटिव बी बन जाएगा, तो बी आपका नेगेटिव फाइव बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन जो बराबर आएगा वाई ऑफ एस, ये देखिए फाइव
ओवर एस इंटू एस प्लस वन का आंसर आ गया ये। मैं इसको ये फैक्टर पहले शुरू में कर दूँ, ए की पावर माइनस एस इंटू ए ओवर एस, ए फाइव है तो ये बनेगा फाइव ओवर में एस, और प्लस बी है, बी आपका नेगेटिव फाइव है तो ये फाइव ओवर में एस प्लस वन बन जाएगा। ये आपके पास इसकी पार्शल फ्रैक्शन हो गई। अब आप अप्लाई करें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लेफ्ट पे क्या बन जाएगा आपके पास वाई टी बन जाएगा, और यहाँ देखिए कि आपके पास आएगा इन्वर्स लाप्लास, अंदर ब्रेक कर दें, फाइव इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एस ओवर में एस बन जाएगा, फिर फाइव बाहर आएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस एस ओवर में एस प्लस वन आपके पास यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये अब आ गया आपके पास क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है। चूँकि ये ई की पावर माइनस एस आ गया है, हमने पढ़ा था इसका फार्मूला, एक था यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर ये यू ए ऑफ टी है इसकी आपने फाइंड करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका जो फार्मूला था ये पेज नंबर 530 पे दिया हुआ है, ये ई रेज टू पावर माइनस ए एस ओवर में एस के बराबर था। ठीक है, एक तो ये फार्मूला, दूसरा था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर ये यू ए टी के साथ कोई फंक्शन जो है एफ ऑफ टी माइनस अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, ये इसका दूसरा जो है हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। ये हमने दो चीज़ें देखनी है, ये दो हमने फार्मूले हमारे पास हैं। पहला देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बन रहा है, सिर्फ एक जगह पे वन है, ये सब पहला फार्मूले में क्या आ जाएगा, जस्ट इसी फार्मूले की कॉपी है, एक जगह वन प्लग करेंगे तो यू वन टी बन जाएगा, पहला तो इससे सॉल्व होगा। लेकिन जो सेकंड आ रहा है वहाँ देखिए क्या करना होता है, ये ई की पावर माइनस ए एस, इससे कंपेयर करेंगे तो ए तो यहाँ पे देखिए वन बन गया, साथ एफ ऑफ एस है और यहाँ एफ एस क्या होगा वन ओवर एस प्लस वन है। तो फार्मूला कहता है कि जब ई की पावर माइनस ए एस है, क्योंकि यहाँ पर अब हम इन्वर्स फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस अगर दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए, और एफ ऑफ टी क्या होगा, इस एफ ऑफ एस की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है कि पहले ई की पावर माइनस ए एस से ए लेना है, तो यहाँ देखिए वो वन है तो इसका वन आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि जो एफ ऑफ एस की लाप्लास इन्वर्स लाप्लास होती है एफ ऑफ टी, उसको एफ ऑफ टी की बजाय t माइनस ए से रिप्लेस करना था। तो देखिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा यूजिंग दिस फार्मूला क्या बनेगा, ये y ऑफ t बन गया, ये 5 वैसे का वैसे रह गया, और ये क्योंकि एग्जैक्टली इसके मैच हो रहा है, ए को नेगेटिव वन प्लग करेंगे तो ये बनेगा u1 ऑफ t बन जाएगा। ठीक है, यू ए टी जहाँ पर यू वन टी बन जाएगा। सेकेंड के लिए 5 देखिए कॉमन आएगा, अब ये फॉर्म इसके बराबर है, यानी ये वहाँ पर क्या बन रहा है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस वन एस है, और जो एफ ऑफ एस दिया हुआ है वो वन ओवर एस प्लस वन दिया हुआ है। तो क्या इसका आंसर आएगा, यू, फिर देखिए ए, ये वन ऑफ टी है और यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए आना है, क्योंकि ए वन है तो टी माइनस वन आना है। लेकिन एफ ऑफ टी क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एफ वन ओवर एस प्लस वन है ये किस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो हम जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एस जो है, अगर एफ ऑफ एस वन ओवर एस प्लस वन हो तो यहाँ से जो एफ ऑफ टी निकलेगा वो दरअसल ई की पावर माइनस टी होगा। तो ये मेरा एफ ऑफ टी आ गया। अब ये एफ ऑफ टी है, यहाँ एफ ऑफ टी नहीं आएगा, टी माइनस ए आएगा, क्योंकि ए वन है तो क्या बनेगा, यानी एफ ऑफ अगर टी ये है तो टी माइनस ए जो कि टी माइनस वन बनेगा वो आएगा ई की पावर टी माइनस वन। ये यहाँ पर लगाइए ई की पावर माइनस टी और देखिए ये प्लस वन बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा यू वन ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस वन। और यहाँ पे आप फाइव भी कॉमन ले सकते हैं, यू वन ऑफ टी भी कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा वन माइनस ई रेज टू पावर, इसको आप वन माइनस टी कर लें या आप इसको जैसे मजी फॉर्म में, ये देखिए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और ये यूनिट स्टेप फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने इस्तेमाल की है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने इसके देखिए वाई ऑफ टी की वैल्यू फाइंड कर। फाइव में क्या दिया हुआ है जी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी है और प्लस इंटीग्रल दिया हुआ है जीरो से लेकर टी तक, वाई ऑफ यू है और कॉज ऑफ टी माइनस यू है इंटू डी यू है, और यहाँ पे वाई ऑफ जीरो की वैल्यू वन दी गई है। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, चलिए इसको डील करते हैं जी।
पहले इसको ऑब्जर्व कर लें, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, हमने पीछे पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। वो क्या था कि अगर दो फंक्शन एफ और जी हैं, उनका जो स्टेरिक आएगा या कॉन्वोल्यूशन आएगा, बाय डेफिनेशन जीरो से लेकर टी, एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू डी यू था, ठीक है। हमने ये डिफाइन किया था और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एग्जैक्टली वही फॉर्म बनी हुई है, जहाँ पे एफ है वहाँ पे उसने वाई लिखा हुआ है और जहाँ पे जी है वहाँ पे ये फंक्शन कॉस टी दिया हुआ है, ठीक है हमारे। और यहाँ पे दूसरा सवाल क्या था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ स्टार जी जो होती है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल जी ऑफ एस होती है, जहाँ पे जो कैपिटल एफ ऑफ एस है ये इस एफ की लाप्लास है और जो कैपिटल जी ऑफ एस है वो जी की लाप्लास है, ठीक है। ये बड़ा नाइस रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को देखते हुए मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ कि जो डी वाई बाय डी टी है इज इक्वल टू ये कॉज ऑफ टी प्लस, और ये दो फंक्शन की कॉन्वोल्यूशन है, इसमें एक फंक्शन वाई ऑफ टी है स्टार, जो दूसरा फंक्शन है कि ये जी हो तो जी को टी माइनस यू लिखता है, होता है वो जी ऑफ टी है, इसमें ये कॉज ऑफ टी माइनस यू जैसा क्या है, ये कॉज ऑफ टी है, ये दो फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉरी कॉन्वोल्यूशन है। तो इसको मैंने यू रीराइट करके लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, दोनों पर लाप्लास अप्लाई करनी है, लाप्लास इधर भी अप्लाई कर दें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आप लाप्लास अप्लाई कर दें, ठीक है। लेफ्ट पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एस टाइम कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस के लिए लें लाप्लास, कॉस की होती है एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ये वन टी है तो वन का स्क्वेयर वन आ जाएगा, प्लस इसकी लाप्लास लेंगे तो वो ये लगाएंगे फार्मूला, यानी इसकी लाप्लास लगाने के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन की लाप्लास लेते हैं और इसकी लाप्लास लेते हैं, तो वाई की लाप्लास क्या बनेगी, वाई की लाप्लास कैपिटल वाई ऑफ एस बन जाएगी और कॉस टी की लाप्लास लेनी पड़ेगी जो कि एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब वाई ऑफ जीरो क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे वाई ऑफ जीरो की वैल्यू वन दी हुई है तो वो वन यहाँ प्लग कर दें तो ये मेरे पास बनेगा एस ऑफ वाई ऑफ एस माइनस वन बन गया, और यहाँ पे देखिए आप ये एस ओवर में एस स्क्वेयर प्लस वन और प्लस जो है दिया हुआ है वो वाई ऑफ एस इंटू फ्री फॉर्म दी हुई है, क्योंकि मैंने वाई ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है, दो वाई ऑफ एस आ चुके हैं तो इसको मुझे लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, इस स्टेप में इसको भी यहाँ रखिए और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको प्लग कीजिए लेफ्ट की और वन यहाँ ले आइए, तो ये बनेगा एस टाइम वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस इंटू एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन आ गया, और यहाँ पे एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन और प्लस वन बन गया, इस वन को वहाँ लेके आ गया और ये जो टर्म थी इसको मैंने यहाँ ला गया। अच्छा यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बाकी एस माइनस एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा इंटू वाई ऑफ एस है और ये बनेगा एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन प्लस वन हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा एस इंटू, तो देखिए एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस वन बन जाएगा माइनस एस आ जाएगा ओवर में एस स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा इंटू वाई ऑफ एस आ गया, और यहाँ देखिए एस प्लस एस स्क्वेयर प्लस वन ओवर में एस स्क्वेयर प्लस वन बन गया, तो ये फैक्टर से कट गया, बाकी रह गया मेरे पास ये ओपन कर दें, ये एस क्यूब आ जाएगा प्लस एस आ जाएगा माइनस एस आ जाएगा इंटू वाई ऑफ एस बन गया, और राइट हैंड साइड में एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस वन बन गया, देखें ये भी कट गया, और एस क्यूब यहाँ से डिवाइड कर दें तो वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस वन होल ओवर में एस क्यूब आ गया, और ये सप्लीट कर दें एस स्क्वेयर ओवर एस क्यूब एस ओवर एस क्यूब और प्लस वन ओवर एस क्यूब बन गया, तो मेरे पास जो वाई ऑफ एस रह गया ये वन ओवर एस बन गया, वन ओवर एस स्क्वेयर बन गया और लास्ट में वन ओवर एस क्यूब बन गया, ठीक है। अब आपने इसकी लाप्लास फाइंड करनी है। अब याद कीजिए हमारे पास क्या था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर वन है तो ये वन ओवर एस होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर टी है तो ये वन ओवर एस स्क्वेयर होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर टी स्क्वेयर है टू ओवर एस क्यूब होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो टू ओवर एस क्यूब आएगी, ठीक है। ये इसका जो फार्मूला था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर अगर एन है तो वो था n फैक्टोरियल ओवर में s की पावर n प्लस वन था, ठीक है। तो देखिए जब 2 होगा तो वो 2 का फैक्टोरियल 2 बनता है तो वो ओवर एस क्यूब बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्या बनेंगे यहाँ जब आप इन्वर्स अप्लाई करेंगे
तो लेफ्ट पे वाई ऑफ टी बन जाएगा, तो 1 ओवर एस की आ गई इनवर्स 1 आ गई, 1 ओवर एस स्क्वेयर की हमारे पास टी आ गई, और 1 ओवर एस क्यूब की होती है 2 ओवर एस क्यूब, तो 2 ज़ेरो यहाँ पे नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दें और फिर आप साथ डिवाइड भी कर दें, तो ये 1 ओवर 2 और ये चीज़ का बन जाएगी, ये टी स्क्वेयर बन जाएगी। तो देखिए ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये आपके पास पहले 5 क्वेश्चन हो गए हैं, रिमेनिंग हम जो है जो सेकेंड ऑर्डर के हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।